ज्योग्राफी ऑप्शनल विषय के लिए मैंने बैच डाल दिया है। कल इसका पहला लेक्चर मैंने लिया था, आज दूसरा है। 23 नवंबर तक यानी अगले 4 से 5 दिनों तक कक्षाएं यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, ताकि आप इसे डेमो क्लास के रूप में देख और समझ सकें और निर्णय ले सकें कि क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको एडमिशन लेना चाहिए। 23 के बाद ये कक्षाएँ वेबसाइट पर चली जाएंगी, और जिन लोगों ने भी 23 तक या 24 तक एडमिशन ले लिया होगा वो मेरे साथ वेबसाइट पर पढ़ेंगे। मैंने कल भी बहुत सारी बातें बता दी थी, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 6 से 7 महीने का बैच है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या ये प्योरा होगा। बिल्कुल, ये 6 से 7 महीने में पूरा होगा। कुछ हिस्से मैं अभी से बता दूं कि कुछ हिस्से नियर अबाउट मान लेते हैं कि 10 पार्ट है ज्योग्राफी में, तो 10 पार्ट में से लगभग 2 या 3 पार्ट मेरे साथी हैं दिल्ली के, वो कवर कराएंगे। और जो भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं जिनमें समझाना ज़्यादा है उसे मैं कवर करवाऊंगा। बाकी जो बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं इसमें जिनको रटना है या लिख के याद करना है, ऐसे चैप्टर्स जो मेरे साथी हैं वो कवर करा देंगे। उनका नाम है अखिलेश त्रिपाठी जी। तो जो मुख्य हिस्सा है वो मेरे द्वारा ही कवर किया जाएगा, मतलब लगभग 80% भाग मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, है ना। ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने सेकेंड पेपर से शुरुआत की है, अर्थात भारतीय भूगोल से। भारतीय भूगोल के अंतर्गत मैंने बताया था कि 10 तरह के टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं, भौतिक विन्यास, संसाधन, कृषि, खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, इसके अलावा सांस्कृतिक विन्यास, बस्ती, प्रादेशिक विकास एवं आयोजना, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन मुद्दे। इनमें से सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था कि स्टार्ट होगा भौतिक विन्यास से। भौतिक विन्यास के अंतर्गत मैंने बताया था कि संरचना एवं उच्चावच, अपवाह तंत्र, जल विभाजक, भारतीय मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, बाढ़, अनावृष्टि, ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया संरचना और उच्चावच से, है ना, भारत की संरचना और भारत का उच्चावच। इस टॉपिक में 5 तरह की बातों का हमको अध्ययन करना है, हिमालय की संरचना उच्चावच, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना उच्चावच, उत्तर भारत के मैदान की संरचना और उच्चावच, भारत के तटीय मैदान और भारत के द्वीप, इन 5 बातों का इसके अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रायद्वीपीय पठार की संरचना तथा उच्चावच, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना उच्चावच के अंतर्गत जो बातें हमने पढ़ी थी उसी के आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगा। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है कि एडमिशन लेने का तरीका क्या है, इसे बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पे दिया हुआ है एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिख के हमको भेजेंगे मेरी टीम को, तो आपको एडमिशन का तरीका बताया जाएगा। एडमिशन का तरीका आसान है, वो 10 मिनट में हो जाता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, जो भी औपचारिक बातें हैं जब आप यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल लिखकर भेजेंगे तो आपको एक हमारी तरफ से मैसेज प्राप्त होगा जिसमें वो सभी जानकारियां शामिल होंगी जो आप जानना चाहते हैं। तो आप इसे अभी भी भेज सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, या 23 तक भेज सकते हैं। आगे चलते हैं, हाँ शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार उच्चावच। हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत को 5 भागों में, भूगर्भिक रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। ये 5 भाग कौन कौन से थे, मैंने बताया था कि पहला तो है मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय भारत का उच्चावच का हम अध्ययन कर रहे हैं, 5 भागों में बांटा जा सकता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, पूर्वी पठार, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है पश्चिमी घाट और 5वां है पूर्वी घाट। इसके अंतर्गत हमने कल मध्यवर्ती उच्च भूमि और पूर्वी पठार का बकायदे अध्ययन किया आपने मेरे साथ, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर आपने लेक्चर को एक बार नहीं तो अवेलेबल है 2 बार अगर देख लिया होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि एक ही बार मुझे याद हो गया है। तो ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आपको बस इसमें विवरण देना है किस तरह से स्थलाकृतियों का विस्तार हुआ है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आज हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं दक्कन का पठार।
दक्कन का पठार पूरे महाराष्ट्र के आस आर पार ये विस्तृत है ना, पूरे महाराष्ट्र के आर पार आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के आर पार सतपुड़ा श्रेणी से लेकर पूरे महाराष्ट्र के आर पार सतपुड़ा श्रेणी से लेकर कर्नाटक पठार तक ये पठार के नाम है। पूरे महाराष्ट्र के आर पार ये सतपुड़ा श्रेणी जहां पे मैंने टिक लगाया है। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा सोन और दामोदर की भ्रंश घाटी है, नर्मदा सोन की भ्रंश घाटी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है और उसके दक्षिण में दक्कन का पठार है। तो ये पूरा जहां तक काली मिट्टी का पूरा छाया हुआ है, तो दक्कन पठार पूरे महाराष्ट्र के आर पार सतपुड़ा श्रेणी से लेकर दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक पठार तक इसका विस्तार है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखेंगे आप, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा सोन और दामोदर विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा सोन और दामोदर की भ्रंश घाटियां हैं। नर्मदा सोन भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा पहाड़ी विंध्य पर्वत के समानांतर पश्चिम में, सतपुड़ा पहाड़ी विंध्य पर्वत के समानांतर पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर महादेव पहाड़ी पार करते हुए मैकाल श्रेणी तक स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम में ऐसे लिखेंगे, सतपुड़ा श्रेणी विंध्य पर्वत के दक्षिण में उसके समानांतर राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ करके महादेव और मैकाल पहाड़ियों तक स्थित है। क्लियर। राजपीपला पहाड़ी के पूर्व में खंडवा नामक दर्रा है, राजपीपला पहाड़ी के पूर्व में खंडवा नामक दर्रा है जिससे होकर मुंबई को उत्तर भारत के नगरों से जोड़ा गया है, जिससे होकर मुंबई को उत्तर भारत के नगरों से, जो सड़क मार्ग है ना, जब आप वाराणसी या इलाहाबाद से जब आप मुंबई जाएंगे सड़क मार्ग से तो खंडवा नामक दर्रे से ही होकर आपकी बस गुजरती है। तो राजपीपला पहाड़ी के पूर्व में खंडवा नामक दर्रा है जिससे होकर मुंबई को उत्तर भारत के नगरों से जोड़ा गया है। खंडवा दर्रे के पूर्व में दो पहाड़ियां हैं, गविलगढ़ और खंडवा दर्रे के पूर्व में गविलगढ़ और महादेव पहाड़ियां हैं। क्लियर। इसके पूर्व में गविलगढ़ और महादेव की पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। महादेव पहाड़ी, अच्छा, धूपगढ़ के समीप ही पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन है। धूपगढ़ चोटी के समीप ही पंचमढ़ी नामक हिल स्टेशन है। गविलगढ़ और महादेव पहाड़ियों के मध्य बैतूल पठार है। गविलगढ़ और महादेव पहाड़ियों के मध्य, आप यहां पे समझेंगे ये सारा, है ना, गविलगढ़ और महादेव पहाड़ियों के मध्य बैतूल पठार है। बैतूल पठार से ही तापी नदी का उद्गम होता है। बैतूल के पठार से ही तापी नदी का उद्गम होता है। महादेव पहाड़ी के पूर्व में मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी के समीप ही, मैकाल श्रेणी पर ही अमरकंटक का पठार स्थित है। मैकाल पहाड़ी पर ही अमरकंटक पठार स्थित है। अमरकंटक पठार नर्मदा और सोन दो नदियों का उद्गम स्थल है। दक्कन पठार, महाराष्ट्र पठार देखते हैं, है ना, महाराष्ट्र पठार को ही हम दक्कन पठार भी कहते हैं, महाराष्ट्र पठार को ही हम दक्कन पठार भी कहते हैं इसे। इसके बाद आप पैरा चेंज कर देंगे और लिखेंगे दक्कन पठार। महाराष्ट्र पठार को दक्कन पठार भी कहते हैं। दक्कन पठार की सबसे असाधारण विशेषता इसका पश्चिमी भ्रंश है। ऐसा है। प्रायद्वीपी भारत का उच्चावच कैसा है? ऐसा है। तो ये तो आप मैप को देख रहे हैं ऊपर से, लेकिन जब प्रायद्वीपी भारत के उच्चावच को देखेंगे तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। उच्चावच वाले भाग में आप देखिए तो यहां पर पश्चिमी तटीय मैदान है और यहां पर पूर्वी तटीय मैदान है। ये सब समतल मैदानी भाग हैं, लेकिन ये जो बीच का पूरा येलो कलर के अंदर का जो पूरा पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, ये टेबल की तरह ऐसे उठा हुआ है। क्लियर। ऐसे टेबल की तरह पश्चिम में इसका कगार बहुत
तीव्र है और पूरब में इसका इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, पूरब में इसकी ऊंचाई कम है, पश्चिम में इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक मिलती है। तो दक्कन पठार की सबसे असाधारण विशेषता उसका पश्चिमी भ्रंश है ना, जिस इसकी सबसे असाधारण विशेषता इसका पश्चिमी भ्रंश है। दक्कन पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है। दक्कन पठार की ढाल सामान्य ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। दक्कन पठार का निर्माण महाराष्ट्र पठार अर्थात दक्कन पठार का निर्माण भी मालवा पठार की भांति ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ था। मालवा पठार की भांति ही दक्कन पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा के प्रवाह से हुआ था। परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। लावा चट्टानों को हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार के दक्षिण में तेलंगाना का पठार स्थित है। क्लियर, दक्कन पठार के दक्षिण में तेलंगाना का पठार स्थित है। मालवा पठार और दक्कन पठार की भांति तेलंगाना के पठार पर लावा का प्रवाह नहीं हुआ है। इस पूरे भाग में लावा का प्रवाह नहीं हुआ है। मालवा पठार पर और दक्कन पठार पर लावा का प्रवाह हुआ है, जिससे पूरे महाराष्ट्र उसके आर पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान का क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन मालवा और दक्कन पठार की भांति तेलंगाना पठार पर लावा का प्रवाह नहीं हुआ है, जिस कारण यह भाग अनावृत है अर्थात खुला हुआ है। तेलंगाना पठार की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की कटोरी नुमा स्थलाकृतियाँ हैं, है ना, ऐसे स्थलाकृतियाँ मतलब ऐसे गहरी गहरी स्थलाकृतियाँ हैं, ऐसे बात समझ रहे हैं। तो वर्षा, जब वर्षा का सीजन आता है तो जो वर्षा का पानी है इस बीच वाले भाग में तालाब की तरह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना पठार की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की कटोरी नुमा स्थलाकृतियाँ हैं, विशेष रूप से जो हैदराबाद है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद इसी प्रकार की कटोरी नुमा स्थलाकृतियों में अर्थात इसी प्रकार के अवतलन में, अवतलन भी कह सकते हैं, इसी प्रकार के अवतलन में बसे हुए हैं। कौन कौन? हैदराबाद और सिकंदराबाद इसी प्रकार के अवतलन में बसे हुए हैं। सिकंदराबाद क्या है? जैसे कुछ नगरों का विकास रेलवे स्टेशन के चलते हो जाता है ना, जैसे बनारस के समीप मुगलसराय है, मुगलसराय का नाम बदल दिया गया है, तो बनारस के समीप मुगलसराय का विकास रेलवे जंक्शन के चलते हो गया। उसी तरह से हैदराबाद के बगल में जब आपको ट्रेन पकड़नी होगी तो आप कहाँ जाएंगे? सिकंदराबाद जाएंगे। सिकंदराबाद से दूर की रेलगाड़ियाँ, ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। तो सिकंदराबाद का विकास एक रेलवे जंक्शन के रूप में, शहर के रूप में हो गया है। तो तेलंगाना पठार की एक अन्य विशेषता यहाँ की टॉर्स स्थलाकृतियाँ हैं, TORS। तेलंगाना पठार की एक अन्य विशेषता यहाँ की टॉर्स स्थलाकृतियाँ हैं। ये गोल गोल चट्टान है, ठीक है, गोल गोल चट्टान ऐसे इकट्ठा जगह जगह पे आपको वहां पे तेलंगाना पठार पर दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? टॉर्स स्थलाकृतियां कहते हैं। तो तेलंगाना पठार की एक अन्य विशेषता यहाँ की टॉर्स स्थलाकृतियां हैं। तेलंगाना पठार के दक्षिण में कर्नाटक अथवा मैसूर का पठार है। इसे कर्नाटक पठार भी बोलते हैं और मैसूर पठार भी बोलते हैं। क्लियर, मैसूर पठार के उत्तरी भाग, जो मैसूर पठार का उत्तरी भाग है उसका जल कृष्णा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग का जल कृष्णा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। कर्नाटक पठार का जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी भाग, कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। ये पश्चिमी भाग है मान लेते हैं, है ना, ये क्या है? ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये क्या है? इसका पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, जिसे मालनट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मालनट। जबकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नीचा और सपाट है, जिसे मैदान कहते हैं। कर्नाटक के मैसूर पठार का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, जिसे मालनट कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत नीचा और सपाट है, जिसे हम मैदान कहते हैं। मालनट का क्षेत्र मतलब ही कर्नाटक पठार के पश्चिमी घाट से लगा हुआ क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मालनट का क्षेत्र एक पहाड़ी प्रदेश है। ये क्या है? एक
मालनाड का क्षेत्र एक पहाड़ी प्रदेश है जो कि पश्चिमी घाट से बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पर मालनाड का क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये मालनाड का क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि पश्चिमी घाट से बिल्कुल लगा हुआ है। जंगलों से आच्छादित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां मालनाड की विशेषता बता रहा हूं। मालनाड प्रदेश जो कि अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, जंगलों से आच्छादित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां और संकरी घाटियां मालनाड प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। जहां तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होंगी वहां घाटियां भी खूब सकरी सकरी आपको मिलेंगी, है ना। जब घाटियां खुल जाती हैं तो पहाड़ों का ढाल भी मंद हो जाता है। पहाड़ों का ढाल जितना ही खड़ा होगा घाटियां भी उतनी ही सकरी वहां पर मिलती हैं। तो हरे भरे जंगलों से ढकी हुई तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां और सकरी घाटियां मालनाड प्रदेश की विशेषता है। बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कि लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना, मालनाड प्रदेश के अंतर्गत ही स्थित हैं जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। कावेरी नदी इसी क्षेत्र से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से मालनाड क्षेत्र से ही कावेरी नदी निकलती है। यहां से कावेरी नदी यहीं से निकलती है, ब्रह्मगिरी चोटी से और तमिलनाडु तट पर प्रवाहित होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो कावेरी नदी इन्हीं मालनाड और मैदानी प्रदेशों से होते हुए कोरोमंडल तट पर पहुंचती है। कावेरी नदी इन्हीं मालनाड और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए कोरोमंडल तट पर पहुंचती है। यह हो गया आपका कर्नाटक पठार। दक्कन पठार के बाद अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, है ना। दक्कन पठार के बाद हम देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों क्या करते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी पूर्वी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में स्टार्ट कैसे करेंगे, कावेरी नदी के मुहाने से, सॉरी तापी नदी के मुहाने से लेकर, यहाँ पे तापी नदी प्रवाहित होती है, बैतूल के पठार से निकलती है और यहाँ तापी नदी प्रवाहित होती है, और अमरकंटक पठार से निकलकर ये नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, ये तापी की भ्रंश घाटी है और ये नर्मदा की भ्रंश घाटी है, क्लियर। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समानांतर, ये क्या है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समानांतर अविच्छिन्न रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है। अविच्छिन्न रूप से मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार, लगातार या निरंतर, क्योंकि इसके बीच में कहीं ये टूटा फूटा नहीं है। कुछ प्राकृतिक दर्रे पाए जाते हैं जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, लेकिन ये प्राकृतिक दर्रे हैं, ये बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। तो पश्चिमी घाट जो है तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक अविच्छिन्न रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में लावा का प्रवाह, इस पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, पहले ये जान लीजिए, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर लावा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक हुआ था, पश्चिमी घाट पर लावा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक हुआ था। दरअसल लावा के प्रवाह से ही दक्कन पठार का निर्माण हुआ और ये पूरा लावा का प्रवाह पश्चिमी घाट से होकर आया था, है ना। पश्चिमी घाट से होकर इस पूरे भाग में लावा फैल गया था, इस पूरे भाग में। तो ये पूरा लावा पश्चिमी घाट से होकर आया था, क्यों, क्योंकि जब प्रायद्वीपीय भारत पश्चिम में ऐसे टूटकर अलग हुआ तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था, है ना, इस क्षेत्र से। तो यहीं से लावा निकला था और इस पूरे भाग में फैल गया था, इस तरह से उसको समझना है। तो पश्चिमी घाट पर लावा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक हुआ था जिस कारण यह क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ है,
अपेक्षाकृत उथला है, मतलब ऊंचा उठा हुआ है। यहां पर लावा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक हुआ था, इसलिए क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। यही कारण कि प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट पर लावा का प्रवाह अधिक हुआ था, जिस कारण यह भाग अपेक्षाकृत ऊंचा उठा हुआ है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, जो कि उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। सह्याद्री का ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री में दो प्रमुख प्राकृतिक दर्रे हैं। उत्तरी दर्रे का नाम है पाल घाट और दक्षिणी घाट, यानी उत्तर में जो दर्रा है उसका नाम है थाल घाट, और दक्षिण में जो दर्रा दिखाई दे रहा है उसका नाम है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट, तो उत्तरी सह्याद्री में दो प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। इन दर्रों से होकर मुंबई को, इन दर्रों से होकर मान लेते हैं मुंबई शहर बसा हुआ है ना, तो इन दर्रों से होकर मुंबई को नासिक, क्रमशः नासिक और पुणे शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। फिर से समझिए, इन दर्रों से मुंबई शहर को घाट के पूर्व में स्थित शहरों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए थाल घाट दर्रे से होकर मुंबई को नासिक से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है, और भोर घाट दर्रे से होकर मुंबई को पुणे से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है। सुदूर दक्षिण में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है, जिसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जिसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट दर्रा है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पालघाट दर्रा है, जिसे स्थानीय रूप से पलक्काड़ कहते हैं, जिसे स्थानीय रूप से पलक्काड़ कहते हैं। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट, मुख्य पश्चिमी घाट को दक्षिणी पश्चिमी घाट से अलग करता है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मुख्य सह्याद्री से अलग करता है ना? ये क्या कर देता है? पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग को मुख्य सह्याद्री से अलग कर देता है। पालघाट दर्रे के माध्यम से केरल और तमिलनाडु के शहरों को रेल मार्ग और सड़क मार्गों से जोड़ा गया है। पालघाट दर्रे से होकर केरल और तमिलनाडु के शहरों को सड़क मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में जो दक्षिणी सह्याद्री है, पालघाट दर्रे के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री अनामुदी चोटी से, दक्षिणी सह्याद्री अनामुदी चोटी भी कहते हैं, या इसे अनामुदी पर्वतीय गांठ भी कहते हैं, क्योंकि कई पर्वत जब एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, कई पर्वत, तो उसे हम पर्वतीय गांठ कहते हैं। यहाँ पर तीन पर्वत एक बिंदु पर आकर मिले हुए हैं, कौन कौन से है? अनामलाई, कार्डामम और पालनी। तो पलक्काड़ दर्रे के दक्षिण में अनामुदी पर्वतीय गांठ है, या अनामुदी चोटी है, है ना? अनामुदी चोटी है या अनामुदी पर्वतीय गांठ स्थित है। यहां से तीन दिशाओं में पहाड़ियां विस्तृत हुई हैं, यहां से पहाड़ियां तीन दिशाओं में निकली हुई हैं। जैसे इसके अनामुदी पर्वतीय गांठ के उत्तर में अनामलाई पहाड़ी का विस्तार है, अनामुदी पर्वतीय गांठ के उत्तर में अनामलाई पहाड़ी का विस्तार है, उसके दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी का विस्तार है,
जबकि उत्तर पूर्व की ओर, आप ये देखिए उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी ऐसे निकली हुई उत्तर पूर्व की तरफ, जबकि उत्तर पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ियों का विस्तार है, उत्तर पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ियों का विस्तार है। कार्डामम पहाड़ी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का अंत हो जाता है, जैसे हम कार्डामम पहाड़ी को पार करके और दक्षिण में जाते हैं पश्चिमी घाट का वहां पे अंत हो जाता है। पश्चिमी घाट के बाद हम देखेंगे पूर्वी घाट पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, क्लियर। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व दिशा में जाने पर नील पूर्वी घाट की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पूर्वी घाट महानदी के मुहाने से लेकर, पूर्वी घाट महानदी के मुहाने के दक्षिण से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित महेंद्रगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह निरंतर और क्रमबद्ध नहीं है, जैसे पश्चिमी घाट क्या है आप देख रहे हैं, निरंतर है और क्रमबद्ध है। पूर्वी घाट आप देखिए उस तरह से निरंतर क्रमबद्ध नहीं, बल्कि जगह जगह यह कटा छटा हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह निरंतर और क्रमबद्ध न होकर अस्त व्यस्त और कटा छटा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकतर नदियां पूर्वी तट की ओर मुहाना बनाती हैं, परिणाम स्वरूप इन नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह पर काट छांट दिया गया है, है ना। परिणाम स्वरूप कई स्थलों पर पूर्वी घाट का पर्वती स्वरूप समाप्त हो गया है। यानी ये एक पर्वत के रूप में नहीं जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे जावादी, सेवाराय, जावादी, शेषाचलम, पंचामलाई, पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामलाई, तो ये स्थानीय रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, इसलिए इन नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह पर काट छांट दिया है, परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर पूर्वी घाट का पर्वती स्वरूप समाप्त हो गया है, है ना। पूर्वी घाट को स्थानीय रूप से कई अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नामों से जाना जाता है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। नीलगिरी पर पहाड़ी के उत्तर में जाने पर, नीलगिरी पहाड़ी के उत्तर पूर्व में जाने पर सेवाराय, जावादी, क्रम से बता रहा हूं, नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में जाने पर क्रमशः सेवाराय, जावादी, शेषाचलम, पंचामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा तथा नल्लामलाई, पहाड़ियां स्थानीय रूप से पाई जाती हैं, है ना। ये पहाड़ियां जब हम नीलगिरी पर पहाड़ी के उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो क्रमशः ये पहाड़ियां स्थानीय रूप से पाई जाती हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है। ये आपने प्रायद्वीपीय पठार का पूरा उच्चावच मेरे साथ देखा जो कि कल से अब तक समाप्त हुआ। शुरुआत किया था हमने अरावली, मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत हजारीबाग पठार, रांची पठार, पूर्वोत्तर भारत में स्थित शिलांग पठार, उसके दक्षिण में रामगढ़, गड़जात, फिर सिमलीपाल पठार, उसके बाद महानदी बेसिन जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसके दक्षिण पश्चिम में दंडकारण्य पठार, उसके बाद फिर मैंने आज स्टार्ट किया सतपुड़ा पहाड़ी, दक्कन पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी और दक्षिणी सह्याद्री जो कि अन्नामलाई, पालनी और कार्डामम पहाड़ियों के रूप में है। इसमें जितनी बातें लिखी इसके बाद इसमें उत्तर कैसे लिखना है ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक
क्योंकि इसमें जो जितना आपको मैंने पढ़ाया, अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की उच्चावच और संरचना बताइए, क्योंकि हमेशा एक साथ पूछा जाता है, कभी कभी अलग से भी प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच आपसे पूछा जा सकता है, और 250 शब्दों में लिखना होगा, लेकिन अब तक तो मैंने जितना बोला वो लगभग 1000 शब्द से ऊपर है, तो इसे 250 शब्दों में कैसे कंप्रेस करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि हो सकता है सिर्फ दक्कन पठार की उच्चावच और संरचना पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया। अब इसमें सबसे बड़ा काम है कि उत्तर कैसे बनाए प्रश्न के बाद, इन सब बातों पर भी मैं चर्चा करूँगा कि 250 शब्दों में प्रत्येक टॉपिक को हम समेटेंगे कैसे। और ख़ासकर जब मैंने कहा कि ये दो भागों में पूछा जाता है, यानी दो चीज़ें एक में पूछी जाती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार की संरचना और उच्चावच को 250 शब्दों में बताइए, अब उसमें संरचना भी बताना है, तब 250 शब्द में कैसे बताएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, हमको उतना ही जानना है जितने से कि हमको लिखने में समस्या ना आए। बहुत ज़्यादा अगर ज्योग्राफी में जानेंगे तो 250 शब्दों में लिखना फिर मुश्किल हो जाता है। इसमें एक अच्छी खबर भी है, क्या कि ज्योग्राफी में पढ़ना तो है, लेकिन अगर हम प्रत्येक टॉपिक को संक्षेप में भी पढ़ ले रहे हैं तो 250 शब्दों में लिखने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। विशेष रूप से आप कुछ बातें मैप में दिखा दीजिए, अगर आपको 250 शब्दों में पूछा गया लेकिन अगर आप कोई चीज़ मैप में बता देते हैं तो आप 150 शब्दों में भी उसे निपटा सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जब भी आप मैप बनाते हैं तो नंबर बुरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिन लोगों की ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है उनके लिए है। अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के माध्यम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स एग्जाम में। मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी बैच में नहीं आया हूँ, बैच में जब आऊँगा तो निश्चित रूप से एक बार में मैं 1 या 1.5 घंटे की क्लासेस लूँगा, और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उनका उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक समाप्त होने के बाद उस पर मैं चर्चा करूँगा। फिलहाल मेरा डेमो जो है 23 नवंबर तक खुला हुआ है, आप इसे देखिए। और एडमिशन का तरीका जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिख के भेजेंगे तो पूरा एडमिशन का तरीका आपको बताया जाएगा। किसी भी तरह की उसमें समस्या आएगी तो हमारी टीम है, हमारी टीम का नंबर आप जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कोई पूछताछ कर सकते हैं अभी भी और एडमिशन लेने के बाद भी। कई बार होता है कि एडमिशन लेने के बाद किसी का मोबाइल चेंज हो जाता है या गुम हो जाता है, तो उन सब बातों का समाधान हम लोग कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासेस वेबसाइट पर चलाई जाएंगी, वेबसाइट पर ही आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, इसके अलावा PDF नोट्स मिलेंगे जो कि प्रिंटेड होंगे, उसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रत्येक चैप्टर क्लास में करवाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझिए। नमस्कार।